हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंडर्स ऑफ लाइफ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंडर्स ऑफ लाइफ पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे घुटने और कोहनियों का कालापन अगर आपको भी शर्मिंदा करता है तो आप कैसे इसे घर पर ही दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चिलचिलाती गर्मी में लड़कियाँ शॉर्ट ड्रेस और ऑफ स्लीव्स पहनना पसंद करती हैं, लेकिन कड़कती धूप से हमारी स्किन भी झुलस जाती है, जिसका असर हमारी त्वचा, घुटनों, कोहनियों और गर्दन पर दिखाई देने लगता है। घुटनों और कोहनियों का कालापन अक्सर लड़कियों को शर्मिंदा कर देता है। वैसे तो मार्केट में इसके लिए कई स्क्रब और क्रीम्स मिलती हैं, जिनके इस्तेमाल के बावजूद भी कोई फर्क नहीं दिखता है। अगर आप भी अक्सर अपने घुटनों और कोहनियों की काली स्किन से परेशान हैं, तो आज हम आपको कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें ट्राई करके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो घरेलू नुस्खे कौन से हैं। नींबू। दोस्तों, नींबू को एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट माना जाता है, जो डार्क हुई स्किन को साफ करने में मददगार है। नींबू के रस को घुटनों और कोहनियों पर लगाकर अच्छे से मसाज करें, फिर इसे 10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। इस नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। दही। दोस्तों, दही को अच्छा मॉइस्चराइजर कहा जाता है, जो स्किन के रंग को साफ करने में काफ़ी कारगर माना जाता है। एक चम्मच सिरके को बेसन और दही में मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को घुटने और कोहनियों पर 15 मिनट लगाएं, फिर गुनगुने पानी से धो लें। बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा में दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे अपनी कोहनी और घुटनों पर लगाएं, 5 मिनट बाद पानी से धो लें। इस नुस्खे को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। आलू। दोस्तों, आलू पीसकर उसका जूस निकाल लें और उस जूस को डार्क हुई स्किन पर लगाएं, 15 मिनट बाद ठंडे पानी के साथ धो लें। एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा स्किन के पुराने सेलों को रिपेयर करके नए सेल बनाने में मददगार होता है। एलोवेरा जेल को घुटनों और कोहनियों पर रगड़ें, 20 मिनट बाद इस पेस्ट को ठंडे पानी से धो लें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि घुटने और कोहनियों का कालापन कैसे आप घर पर ही घरेलू नुस्खों से दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वंडर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।